Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin was salatu was salamu ala rasulihil karim amma ba'd fa a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim mere muhtaram mukarram samiin wa nazirin ikram aur mere aziz bachcho aap sabke pasandeeda program tafhimul quran ki janib se aap sabka mezban hafiz mohammad zishan khalid ki taraf se assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh muhtaram nazreen aur mere aziz bachcho sabse pehle hum guzishta sabak ka iada karenge uske baad bhi hum agle sabak ki janib chalenge dekhiye takhti number 6 harkat wa tanween wa murakkab huruf ki mashq takhti number 6 ki ibarat ki padhne ki do surate hain surat number 1 تختی نمبر 6 کی عبارت کا ہجا کیا جائے گا ہجا کے متعلق میں نے آپ سب کو بتلایا تھا ہجا کسے کہا جاتا ہے جوڑنے والے حروف کو ہجا کہا جاتا ہے سوال جوڑنے والے حروف سے کیا مراد ہے یعنی ایک حرف کے ہجے کر کے دوسرے حرف کے ساتھ ملا کر مرکب عبارت کو بنایا جائے صورت نمبر 2 تختی نمبر 6 کی مکمل عبارت کو روانی کے ساتھ پڑھا جائے گا دیکھئے مصیر آپ سنائیں تعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم تسمية بسم الله الرحمن الرحيم मिलाकर बढ़िया क्या बना कोसा मीम दो पेश मन सूरत नंबर 2 कीजिए कोसा मन वक्फ की सूरत कीजिए आगे वक्फ कसम सवाल कसम से कसम कैसे हुआ हालत वक्फ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म से तब्दील कर देंगे तो कसम से कसम हुआ आगे चलिए काफ ज़बर का बा ज़बर बा मिलाकर बढ़िया क्या बना काबा दाल दो जेर दिन सूरत नंबर 2 कीजिए काबा दिन वक्फ की सूरत कीजिए आगे वक्फ काबद सवाल काबद इनसे काबद कैसे हुआ हालत वक्फ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म से तब्दील कर देंगे तो कबद इनसे कबद हुआ शाबाश आगे चलिए काफ पेश कु ता पेश तू मिलाकर बड़ी क्या बना कुतु बा दो पेश मन सूरत नंबर 2 कीजिए कुतुबुन वक्फ की सूरत कीजिए आगे वक्फ कुतुब सवाल कुतुबुन से कुतुब कैसे हुआ हालत वक्फ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म से तब्दील कर देंगे तो कुतुबुन से कुतुब हुआ आप तीनों एक साथ सुनाएं कॉफ ज़बर कॉफ सीन ज़बर सा मिलाकर बड़ी क्या बना कॉसा मीन
सूरत नंबर दो कीजिए। वक़्फ़ की सूरत कीजिए। सवाल कौसम उनसे, कौसम कैसे हुआ? हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्ब से तब्दील कर देंगे तो कसम उनसे कौसम हुआ। अब आगे चलिए। मिलाकर बड़ी क्या बना? दिन। सूरत नंबर दो कीजिए। वक़्फ़ की सूरत कीजिए। आगे कबद। सवाल कबद इनसे, कबद कैसे हुआ? हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्ब से तब्दील कर देंगे तो कबद इनसे कबद हुआ। आगे चलिए। मिलाकर बड़ी क्या बना? कुतू गुन। सूरत नंबर दो कीजिए। कुतू गुन। वक़्फ़ की सूरत कीजिए। आगे वक़्फ़ कुतुब। सवाल कुतुब उनसे, कुतुब कैसे हुआ? हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्ब से तब्दील कर देंगे तो कुतुब उनसे कुतुब हुआ। आइए आज के सबक की जानिब। ज़बर का काफ, ज़बर का सीन, ज़बर सा सीन, ज़बर सा मिलाकर पढ़िए क्या बना? कैसा। मिलाकर पढ़िए क्या बना? कैसा। बा ज़बर बा ज़बर बा। सूरत नंबर दो कीजिए। यानी मुकम्मल इबारत को रवानी के साथ पढ़िए। कैसा बा। सूरत नंबर दो कीजिए। यानी मुकम्मल इबारत को रवानी के साथ पढ़िए। कैसा बा। वक़्फ़ की सूरत कीजिए। आगे वक़्फ़ कसब। वक़्फ़ की सूरत कीजिए। आगे वक़्फ़ कसब। सवाल कसब से कसब कैसे हुआ? सवाल कसब से कसब कैसे हुआ? जवाब कायदा है कि हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को जज़्म के साथ तब्दील कर देंगे। कायदा है कि हालत वक़्फ़ में आखिरी हर्फ की हरकत को
جزم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو کسبا سے کسب ہوا تو کسبا سے کسب ہوا ایک مرتبہ پھر سنیے کاف زبر کا سین زبر سا ملا کر پڑھی کیا بنا کیسا با زبر با سورت نمبر دو کیجئے یعنی مکمل عبارت کو روانی کے ساتھ پڑھیے کیسا با سورت نمبر دو کیجئے یعنی مکمل عبارت کو روانی کے ساتھ پڑھیے کیسا با وقف کی صورت کیجئے آگے وقف کسب وقف کی صورت کیجئے آگے وقف کسب سوال کسب سے کسب کیسے ہوا سوال کسب سے کسب کیسے ہوا جواب قاعدہ ہے کہ حالت وقف میں آخری حرف یعنی با کی حرکت یعنی زبر کو جزم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے قاعدہ ہے کہ حالت وقف میں آخری حرف یعنی با کی حرکت یعنی زبر کو جزم کے ساتھ تبدیل کر دیں گے تو کسب سے کسب ہوا